एकदम सही है। एक तो हमारा आउटर हेल्थ है और एक इनर हेल्थ है। तो इनर हेल्थ है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य से संबंधित है। आंतरिक स्वास्थ्य या इनर हेल्थ। बाह्य स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य आता है। WHO की जो डेफिनेशन है वो सामाजिक स्वास्थ्य तक ही सीमित है, जबकि आंतरिक स्वास्थ्य में आध्यात्मिक स्वास्थ्य आता है। ऐसे अनेक महान लोग हुए जिनके बाहरी स्वास्थ्य का कोई पहलू जब कमजोर हो भी गया, तब उन्होंने अपने आंतरिक स्वास्थ्य को बनाए रखा, अर्थात उन्होंने आत्मिक प्रगति को सबसे ज्यादा महत्व दिया। आप में से कोई किसी एक महापुरुष का उदाहरण दो जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, या उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी थी, फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की, अपनी भी आध्यात्मिक प्रगति करी और दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी उन्होंने प्रयत्न छोड़े नहीं। ऐसे स्वामी किसी, विवेकानंद, हाँ अमर क्या कह रहे हैं? रामकृष्ण, स्वामी सर राम, रामकृष्ण जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम। हाँ एकदम सही, स्वामी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भी अंतिम समय में, उनका भी स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया था। और कोई एग्जांपल? विनोबा भावे हाँ अच्छा, स्वास्थ्य खराब था विनोबा भावे जी का। चलो मुझे उसका आइडिया नहीं है, पर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। तो ये आंतरिक स्वास्थ्य है वो इस तरह से अलग है। अगर स्वास्थ्य हमारा खराब भी है, तब भी हम जो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न हम चालू रखते हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। अब जो स्पिरिचुअल इंसाइट जो वो टॉपिक है, वो एक्चुअल में देखा जाए तो अंतर्दृष्टि मतलब अंदर देखना, तो वो भी एक तरह से आध्यात्मिक स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए दोनों को साथ में ही ले लिया है, अलग नहीं किया है। अंतर्दृष्टि का दूसरा भी है, मीनिंग करते हैं कि आपके अंदर ऐसी दिव्य दृष्टि आ जाती है कि जो आप आंतरिक रूप से ही अंदर ईश्वर के दर्शन कर सकते हो, या आपको, आप अपने आप को इंटरनल अंतर्मुखी कर लेते हो, तो वो भी एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। उसको अलग हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, दोनों को साथ में ही ले रहे हैं। तो अब ये प्रश्न होता है कि अध्यात्म क्या है, क्योंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो समझ में आया, पर कई बार अध्यात्म शब्द से ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ करते हैं। तो यहाँ स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जो गीता में लिखा गया है, अपना मूल रूप ही अध्यात्म है। अपना जो मुख्य स्वरूप है वो शरीर नहीं है, अपना मूल रूप है वो आत्मा है। तो उसी को, आत्मा को ही अध्यात्म शब्द दिया गया है गीता में। दूसरा अर्थ है कि जो आत्मा से संबंधित है वो अध्यात्म है। तो चाहे आत्मा को अध्यात्म कहो या आत्मा से संबंधित जो विषय है उसको अध्यात्म कहो, पर अध्यात्म का मतलब शरीर से नहीं है। ये शरीर या जो भोगवाद है, भौतिकवाद है, उससे जो अलग है वो अध्यात्म है। हम आत्मा है ये मानना, उसके अनुसार व्यवहार करना, जीवन जीना, ये अध्यात्म है। प्रेम, करुणा, दया जैसे भाव जो कि मात्र किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, ही अध्यात्म का सही स्वरूप प्रस्तुत। अब क्या होता है, कुछ लोग जो है ना, कुछ धर्म आत्मा के अस्तित्व पर ही को ही स्वीकार नहीं करते हैं, नकार देते हैं। तो यहाँ पर वो भी देखा गया है, कुछ धर्मों में स्पिरिचुअलिटी का अर्थ उन्होंने किया है प्रेम, करुणा, दया जैसे जो भाव है हमारे अंदर, है ना। हालांकि भाव है वो कहीं ना कहीं मन से जुड़े हैं, पर फिर भी जो धर्म का बाहरी स्वरूप है, अलग अलग कर्म कांड है, जो अलग लोगों के अंदर जो कट्टरवाद होता है, अलग अलग मान्यताएं हैं, वो सब सभी धर्मों में अलग अलग है। लेकिन प्रेम, करुणा, दया जैसे जो भाव है, हर जगह पर उसके लिए बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। तो इसलिए उसको भी कुछ लोग अध्यात्म कहते हैं कि ये जो भाव है वही अध्यात्म है।
अब जो मुख्य अंतर है वो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या अंतर है दोनों में। तो शरीर एवं मन स्वस्थ तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान, जो WHO की डेफिनेशन है उसमें, कैन कंट्रीब्यूट टू हर और हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, अपने समाज को हम कुछ दे सके, तो वो भी स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक स्वास्थ्य में क्या है, शरीर या मन स्वस्थ न होने पर भी, सपोज कि शरीर स्वस्थ नहीं है, वो तो हमने उदाहरण देखे, कई बार कुछ लोग जो है ना परमहंस जैसे लोग होते हैं, उनका बाहर से मन भी लोगों को स्वस्थ नहीं लगता है, या भले ही वो स्वभाव ऐसा है कि वो चिंता करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, पर फिर भी वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत कुछ करते हैं, साधना करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। तो कहा जा सकता है कि शरीर और मन इतना स्वस्थ नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ लोग समाज से भी विरक्त होते हैं कि समाज के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, योगी लोग होते हैं या जो तपस्वी होते हैं वो समाज से विरक्त होते हैं, पर एटलीस्ट इतना तो है कि समाज को कोई नुकसान नहीं करते, वो अपनी साधना में अपनी शक्ति को अर्जित करने के लिए वो विरक्त हो जाते हैं, और उनका मकसद ये नहीं होता है कि समाज से कोई लेना देना नहीं है, बस वही है कि हम वो उनका ये मान्यता रहती है कि समाज को भी हम तब कुछ दे पाएंगे जब हमारे अंदर शक्ति होगी, तो पहले वो शक्ति अर्जन करने के लिए तप करते हैं, योग करते हैं, आत्मिक प्रगति के लिए तप साधन आदि में वो लीन होते हैं। शारीरिक मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर भी आपको मृत्यु का भय हो सकता है, क्योंकि वहां शरीर ही सब कुछ है, तो मृत्यु का भय रहता है, जबकि जिसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत ही उच्च स्थिति में है उनको मृत्यु का भय नहीं रहता। फिर यहाँ शारीरिक मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य में सभी जीवों में एक आत्मा को पहचानने की क्षमता नहीं होती है, हम क्या करते हैं, सबका धर्म अलग है तो वो अलग हो गए, देश अलग है तो वो अलग हो गए, मनुष्य अलग, प्राणी अलग, फिर धर्मों में भी ये जाति अलग वो जाति अलग, सब तरह से हम क्या है अलग सबको देखते हैं, सब के अंदर एक ही आत्मा है वो नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है, सुना तो हो हमने पर उसकी अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं। जबकि जिनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य उच्च स्थिति में है वो सभी जीवों में एक आत्मा को पहचानने की क्षमता का उनके अंदर विकास होने लग जाता है, शुरुआत में धीरे 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 उनके अंदर राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, फिर आगे जाकर सभी में वो एक आत्मा को, ईश्वर को देख पाते हैं वो, तो ये उच्च अवस्था है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य में इतना अंतर है। अब हमारे जो युग निर्माण साहित्य में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने और जो डॉक्टर साहब ने लिखा है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पहले जो लिखा है उसको पढ़ेंगे फिर उसकी चर्चा करेंगे। संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, एक वे जो सांसारिक सुख की लालसा रखते हैं और दूसरे वे जो पारलौकिक कल्याण को अधिक महत्व देते हैं, अथवा यूं कहिए कि एक स्वार्थवादी होते हैं और दूसरे परमार्थवादी। आजकल की परिभाषा में यह भी कह सकते हैं कि एक शरीर को ही सब कुछ समझते हैं और दूसरे आत्मा को दृष्टिगोचर रखकर आचरण करते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक स्वास्थ्य इस तरह से अलग पड़ जाता है। सांसारिक बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बहुत गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, इस तरह की जिनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो उन सब चीजों को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, वो कम चीजों में ही प्रसन्न रहता है। हमारे भारतवर्ष के अधिकांश लोगों का यह ख्याल है कि हम लोग संसार के सब देश वालों की अपेक्षा है अधिक आध्यात्मिक, अब ये बहुत ही समझने लायक है, हम अपने आप को ज्यादा आध्यात्मिक मानते हैं उसके ऊपर कटाक्ष किया है। हमारी निगाह में यूरोपियन अमेरिकन आदि तो घोर भौतिकवादी है, स्वार्थ परायण है, नास्तिक है, मुसलमानों और यहूदी वादियों को भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत नीचे दर्जे पर समझते हैं। चीनी, जापानी, रूसी आदि के विषय में हमको विशेष ज्ञान नहीं है, पर यह बात हम छाती ठोक कर कह देते हैं कि आध्यात्मिकता के मामले में वे हमारे मुकाबले में जरा भी टिक नहीं सकते, हम
अपने आप को ज्यादा आध्यात्मिक मानते हैं, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य उन लोगों से ज्यादा अच्छा ऐसा मानते हैं। अगर आध्यात्मिकता का अर्थ ईश्वर परमात्मा परब्रह्म की चर्चा करना केवल चर्चा की बात है, भाग्य और कर्म के सिद्धांतों को निरूपण करना, उस सिद्धांतों को मानना, पाप पुण्य सत्य असत्य अहिंसा अहिंसा आदि की मीमांसा करना, स्नान ध्यान देव दर्शन तीर्थ यात्रा में अपने अनुराग रखना, उसमें अपनी रुचि रखना, शोका चूल्हा शुद्धि अशुद्धि आदि के नियमों का पालन करना आदि बातों से ही तो हमको इस बात के मान लेने से इनकार नहीं कि हमारे भाइयों का दावा पूर्णतः नहीं तो अनेक अंश में ठीक माना जा सकता है। अगर यही सब कुछ अगर केवल अध्यात्म है तो फिर हम कह सकते हैं हाँ चलो हम ज्यादा आध्यात्मिक है, लेकिन असलियत क्या है वो आगे बताते हैं। हमको कुछ संकोच पूर्वक कहना पड़ता है कि आध्यात्मिकता का एक दूसरा पहलू भी है जो महत्वपूर्ण पहलू है, उसके बारे में चर्चा की है। हमारी संपत्ति हमारी हमारे मत से आध्यात्मिकता केवल अध्ययन मनन तथा निरूपण की चीज नहीं, वरन कार्य रूप में पालन करने की चीज है, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जिस प्रकार बड़े से बड़े स्वास्थ्य संबंधी ग्रंथ को पढ़कर और कंठस्थ करके भी हम जब तक अपना आहार विहार न सुधारें, नियमित रूप से कोई शारीरिक व्यायाम ना करें, स्वच्छता और सफाई के नियमों का अच्छी तरह पालन न करें, उसी प्रकार उपनिषद गीता योग वशिष्ठ के सैकड़ों पारायण भी हमको आध्यात्मिकता के निकट नहीं पहुंचा सकते। अगर हम उनके उपदेशों के वास्तविक मर्म को ग्रहण न करके तदनुसार आचरण न करें, तो अगर आचरण करते हैं तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, पर केवल चर्चा करते हैं या केवल उसका बाहरी स्वरूप है उसी को हम ध्यान देते हैं तो हम दूसरे लोगों से किसी भी तरीके से ज्यादा आध्यात्मिक नहीं हैं। प्रेम करुणा दया इसीलिए वो ज्यादा महत्व दिया गया कि आपके अंदर ये अगर भाव है तो आप भले ही कोई कर्मकांड नहीं करते हो पर उसको आध्यात्मिक ज्यादा माना गया है। अनेक प्रकार की दार्शनिक मान्यताएं तथा अनेक प्रकार के कर्मकांड मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाने के उद्देश्य है, ये भी ऊंचा उठाने के उद्देश्य से ही है। जिस उपायों से जिन विचारों से मनुष्य का चरित्र ऊंचा उठे वह पारस्परिक प्रेम सहयोग न्याय उदारता सच्चाई संयम शील बने, उन्हें ही अध्यात्म कहते हैं। आज अध्यात्मवाद की चर्चा तो बहुत होती है पर उसकी वास्तविकता का लोप हो रहा है। हमें सच्चे अध्यात्मवाद की तलाश करनी चाहिए, तलाश करने करके उसे ही अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण उस सच्चे अध्यात्मवाद पर ही निर्भर है। उच्च चरित्र सदाचार एवं सर्वतोमुखी नैतिकता ही अध्यात्म का प्राण है, उसकी सजावट और सुविधा के लिए पूजा पाठ के उपचार है। यदि प्राण निकल जाए तो देह बेकार है, पूजा पाठ जरूरी है, उससे आपको आपका मन है वो अध्यात्म की ओर बढ़ता है, पर प्राण क्या है, प्राण यही है कि जीवन में उतरना चाहिए। उसी प्रकार उच्च नैतिकता के बिना धार्मिक कर्मकांडों की तरह विशेष उपयोगिता नहीं है, तो ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य का असली स्वरूप बताया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, डॉक्टर प्रणव पंड्या सर की लिखी हुई है। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई हमारे स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ ऐसी कमी है कि जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हमने दिखाया फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, एक बार इस पुस्तक को पढ़ के उसके ऊपर चिंतन जरूर करना कि आध्यात्मिक चिकित्सा हम खुद अपनी कैसे कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो जिसको हम भाग्यवश कहते हैं प्रारब्धवश कहते हैं या किसी ना किसी हमारे कर्मों के कारण उसका फल मिला हुआ है, तो उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसमें दिया गया है आध्यात्मिक चिकित्सा के द्वारा, तो ये जरूर पढ़ने लायक पुस्तक है। उसमें लिखा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा तन और मन स्वस्थ हो, साथ ही साथ हमारी आत्मा भी स्व में स्थित हो। अगर हम स्व में ही स्थित रहते हैं ना तो जितने भी सुख है वो आत्मा की प्रसन्नता के कारण है, और वो आत्मा अपने आप भी प्रसन्न रह सकता है, किसी साधन की या किसी व्यक्ति की उसको जरूरत ही नहीं है, वो खुद में ही स्व में ही स्थित रह सकता है, तो में स्थित रहकर वो खुश रह सकता है। तो वो बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। हमारी आत्मशक्तियां जीवन के सभी आयामों से अभिव्यक्त होनी चाहिए। आत्मशक्तियां जो है हमारी, उससे हम अपने शरीर को भी ठीक करें, अपने समाज के लिए भी कुछ काम करें, आध्यात्मिक प्रगति के लिए दया करुणा जैसे हमारे अंदर भाव बढ़े,
तब हम कह सकते हैं कि आत्मिक रूप से हम स्वस्थ हैं। हम भगवान के अभिन्न अंग है, यह बात हमारे व्यवहार, विचार व भावनाओं से प्रमाणित हो। कि हमने कहीं पढ़ा तो है कि भाई हम भगवान के ही अभिन्न अंग है, लेकिन हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। अगर भगवान के अंग है तो हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, हमारे विचार ठीक होने चाहिए, हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये मन नाम का जो एक मशीन दिया गया है, जो एक जड़ पदार्थ है, मन है वो वास्तव में जड़ पदार्थ है, लेकिन वो उसके ऊपर खाने पीने का, आहार विहार का, सारी आसपास के वातावरण का, सबका प्रभाव पड़ता है, जन्मों जन्म के संस्कार का। तो उसके कारण वो आप आत्मा का जो स्वरूप है उसको वो ढक देता है, अज्ञानता जिसे कहते हैं, वो मन की अज्ञानता के कारण, जिसके कारण हम जो न करने जैसी चीजें भी करते हैं। तो अगर इस मशीन को कैसे कंट्रोल में करना है वो सीख लिया जाए, तो असली अपने जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, उसका हमें अनुभूति उसकी होने लगेगी। क्या लक्षण है आध्यात्मिक स्वास्थ्य के? सत्य है, आध्यात्मिक स्वरूप से स्वस्थ व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए थोड़े से भौतिक सुख में ही संतुष्ट रहता है। ये गलत तो करना ही नहीं है, भले ही गरीबी में जीना पड़े, अभाव में जीना पड़े, गलत नहीं है। सत्य ही हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना है। विवेक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विवेक पूर्ण व्यवहार करता है, जल्दबाजी के स्थान पर धैर्य से काम लेता है। विशेष रूप से जब हम जल्दबाजी में गुस्सा करते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं, ये नहीं, विवेकपूर्ण सोच समझ के एकदम स्थिर संयम, ऐसे व्यक्ति को अपने पर पूरा काबू होता है। आत्मसंयम, कर्तव्य पालन, ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करता है। जिन लोगों ने, जो शहीदों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिए हैं, उनका भी आध्यात्मिक स्वास्थ्य उच्च माना जाएगा, भले ही उन्होंने कोई आध्यात्मिक पुस्तक ना भी पढ़ी हो, कोई इस तरह के कोई साधना ना करी हो, पर फिर भी शरीर को ही उन्होंने महत्व नहीं दिया, और देश के लिए, समाज के लिए, कोई अच्छे काम के लिए अगर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, उनको चाहे भले ही फांसी हो गई हो, चाहे उनकी हत्या कर दी गई हो, लेकिन उन्होंने सच्चाई के लिए अगर अपने अपना जीवन दे दिया है, तो समझो कि उनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत उच्च प्रकार का है। अनुशासन, ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है, नियम कानून होते हैं जीवन में, भाई इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरना है ना, इतना तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। व्रत धारण, ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी छोटे बड़े व्रत, ऐसा कोई भी अपने अपने हिसाब से, इसमें कोई ये नियम नहीं है कि सब तरह के व्रत करने चाहिए, अपने हिसाब से वो कुछ व्रत करता है। कोई अगर पेड़ों को उगाने की और उसको संभालने का अगर कोई व्रत लेता है, वो भी एक तरह का व्रत है। सिर्फ खाने पीने में ही संयम बरतना, वो ही व्रत नहीं है। व्रत मतलब कोई ऐसा संकल्प, कोई अच्छा संकल्प। स्नेह सौजन्य, ऐसा व्यक्ति ममत्व तो प्रेम जैसे गुणों से भरा होता है ना, वो नफरत नहीं करता किसी से भी। पराक्रम, ऐसा व्यक्ति किसी से नहीं डरता है, पराक्रम है। अध्यात्म का अर्थ यही है कि शरीर की चिंता नहीं करनी है, अच्छे काम के लिए अगर पराक्रम करते हैं कोई व्यक्ति, तो वो मृत्यु से भी नहीं डरते हैं, है ना, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। सहकार, आत्मीयता के कारण ऐसा व्यक्ति सबको सहयोग करने का स्वभाव वाला होता है, हेल्पिंग नेचर, सबको वो सहयोग के लिए तैयार रहता है। परमार्थ, ऐसे व्यक्ति का जीवन स्वार्थ पूर्ति के लिए, परंतु परमार्थ के लिए होता है, उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि कुछ अच्छा काम करके जाना है। तो इस तरह से 10 लक्षण आध्यात्मिक स्वास्थ्य के यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा करी है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन? मेरे हाँ अमर, सर हेलो। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? एक्चुअली पता नहीं मेरे ये हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है। मुझे लगता है आज के जो क्वेश्चन आंसर है ना, आज के टॉपिक के, वो नेक्स्ट मंगलवार को ही करने पड़ेंगे। आज मुझे हेडफोन में ठीक से आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है सर, यहाँ
38 लोगों का मुझे नाम दिख रहा है सर, ऐसा हो सकता है। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं क्योंकि आप लोगों की आवाज ज्यादा नहीं आएगी तो कोई यस बोलने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अपना नाम गलत लिखा है इसमें, अलग लॉगिन से लॉगिन किया है, वो टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, बाकी सबका नाम आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आराधना, आभा, अभिषेक,